दोस्तों अगर आप भी पंत को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 293 रन पर आउट होने के बाद रो पड़े ऋषभ पंत, लेकिन अपनी इस लगभग शतकीय पारी से पंत एक ऐसा रिकॉर्ड बना गए जो धोनी रोहित कोहली भी नहीं बना पाया आज तक। आखिरकार पंत ने यह क्या रिकॉर्ड बना दिया, आपको उनकी पारी और वीडियो तो दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है दोस्तों, पंत, धोनी और सैमसन में कौन बेहतर है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। लगता है नीचे कमेंट में उस विकेट कीपर का नाम जरूर बताइएगा। दोस्तों एशिया कप हो या फिर वर्ल्ड कप 2022 क्यों ना रहा हो, हर जगह ऋषभ पंत का फ्लॉप बल्ला हमेशा ऊपर दिखा। वो पुराने ऋषभ पंत को हमेशा मिस किया गया जो गेंद के साथ खेलना जानते थे, बड़ी पारियां लगाना जानते थे, जो टेस्ट में तूफानी शतक जड़ते थे। और आज बांग्लादेश के खिलाफ हमें वही विंटेज ऋषभ पंत नजर आए जिन्होंने कभी गाबा के मैदान में हमें हारे हुए मैच जिताए थे, जिन्होंने कभी इंग्लैंड की सरजमीं पर टेस्ट में शतक जड़ा था। दोस्तों आपको बता दें कि दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है, भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ 2022 साल का अपना आखिरी मुकाबला खेल रही है। इस शेर बांग्ला स्टेडियम में खेले गए वनडे सीरीज के हम दो मैच हारे थे, तो इस मैच को तो हर हाल में जीतना था। जीत का जज्बा दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन के पहले सेशन से देखा जा सकता था जब हमारे गेंदबाजों ने बैक टू बैक विकेट्स लिए। पहली इनिंग में दोस्तों हमने बांग्लादेश को 227 पर आउट किया, लेकिन अफसोस उनके जवाब में हमारी बल्लेबाजी अच्छी नहीं रही, ना ही पहले दिन में और ना दूसरे दिन की शुरुआत में। केएल राहुल कुछ ज्यादा ही डिफेंसिव हो रहे थे, जिसका नतीजा ये रहा कि दूसरे दिन आते ही 10 रन पर निपट गए। उधर शुभमन गिल भी 20 रन पर आउट हो गए। कोहली और पुजारा थोड़ी देर मैदान पर जरूर रुके, लेकिन 24-24 रन बनाकर वो भी चलती है। यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम का सारा जिम्मा पंत और श्रेयस अय्यर के कंधों पर था, और कहना पड़ेगा आज इन दोनों खिलाड़ियों ने इस जिम्मेदारी को बड़ी ही ज्यादा जिम्मेदारी से निभाया है। दोस्तों आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताते हैं, पारी के 38वें ओवर में भारत का चौथा विकेट गिरा था और उसके बाद 60 से 70 ओवर हो गए, भारत का कोई विकेट नहीं गिरा। और इस बीच में इन दोनों खिलाड़ियों ने भारत को मिलकर न सिर्फ 150 या 200 तक पहुंचाया, बल्कि अपनी अपनी पारियों में ऐसे बड़े रिकॉर्ड बना दिए जिन्हें आज दुनिया सलामी कर रही है। दोस्तों दूसरे दिन के इस खेल में पारी का दूसरा सेशन खत्म होने तक जहां श्रेयस अय्यर 68 गेंदों के अंदर 58 रन जड़ चुके थे अपनी पारी में, 5 चौके और 2 छक्के लगाकर, तो उधर ऋषभ पंत ने तो इतिहास ही रच दिया था। दोस्तों आपको बता दें कि पंत ने इस टेस्ट को आज वनडे या T20 की तरह खेला। 290 गेंदों के अंदर इस खिलाड़ी ने 6 चौके लगाए, तो वहीं 5 गगनचुंबी छक्के जड़कर 90 गेंदों के अंदर अपने 86 रन पूरे कर लिए थे। बस फिर क्या होना था, ऋषभ पंत के शतक का इंतजार हो रहा था। तीसरा सेशन शुरू होता है दिन के खेल का, पंत आते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि ऋषभ पंत भले ही आउट होने के बाद थोड़े बहुत मायूस जरूर थे, वो रोकर मैदान से जा रहे थे, लेकिन दोस्तों आपको यह भी बता दें कि ऋषभ पंत ने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया है। दोस्तों पंत ने शतक भले ही ना लगाया हो, लेकिन उनकी पारी किसी शतक से कम नहीं है, और पिछले 10 सालों में बांग्लादेश की टीम के खिलाफ ये किसी भी भारतीय विकेट कीपर द्वारा लगाया गया टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग में अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर है, जो धोनी और सैमसन जैसे खिलाड़ी तक नहीं बना पाए। दोस्तों पंत ने वाकई में रन लगाने के मामले में सबको पछाड़ के रख दिया है, और वो 2000 रन लगाने वाले टेस्ट में उन विकेट कीपर्स की एलीट क्लास में शामिल हो चुके हैं जो दुनिया में मात्र 5 या 6 हैं। दोस्तों ऋषभ पंत के ये नायाब 2 रिकॉर्ड ही काफी हैं बताने के लिए कि उन्होंने कितनी बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है, लेकिन ऋषभ पंत की बैटिंग, उनके शतक को और उनके रिकॉर्ड को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।